दिवाली से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में सियासी धमाका कर दिया है। उन्होंने औपचारिक तौर पर कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे 7 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने अपने पूरे सियासी सफर का जिक्र किया है। अमरिंदर ने कांग्रेसी हाईकमान के साथ नवजोत सिंह सिद्धू पर भी सवाल खड़े किए। अमरिंदर ने 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी। अब उन्होंने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस की घोषणा की है। अमरिंदर पहले ही कह चुके हैं कि वे पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पहले किसान आंदोलन का हल निकलवाएंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बागी नेताओं से गठजोड़ करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अभिनेता सूर्या की आगामी कोर्टरूम ड्रामा जय भीम की प्रशंसा करते हुए कहा, फिल्म पूरी रात उनके विचारों में रही और इसने उनका दिल भारी कर दिया। ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म के क्रू को लिखे एक पत्र में स्टालिन ने कहा, उन्होंने कल जय भीम देखी। फिल्म में आए विचारों ने रात भर उनका दिल भारी रखा। समाज के हाशिए पर रहने वाले इरुलर का जीवन और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को इससे अधिक कलात्मक और सटीक रूप से चित्रित नहीं किया जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राधा रमन त्रिपाठी ने बीजेपी से त्यागपत्र दिया है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती की नीतियों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। बहुजन समाज पार्टी के नेता घनश्याम चंद्र खैरवार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। लंबे समय से आयकर विभाग के निशाने पर चल रहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पवार से जुड़ी 5 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इन संपत्तियों की कीमत 1,000 करोड़ से ज्यादा की अनुमानित है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से ये कदम महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के ठीक एक दिन बाद उठाया गया है। नवाब मलिक बोले, वानखेड़े कपड़े बदलने के मामले में मोदी से भी आगे। एक शर्ट की कीमत 70,000 रुपये। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी के ऊपर हवा में आरोप नहीं लगाया बल्कि तथ्यों के साथ इसे सामने लाया। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के करीबी है। वानखेड़े ड्रग्स का खेल खेलकर करोड़ों की उगाही करता है। उनके बाकी के अधिकारी को देखिए जो केवल 700 से लेकर 1,000 रुपये की शर्ट पहनते हैं, लेकिन वानखेड़े 70,000 की शर्ट पहनते हैं। वानखेड़े रोज नई शर्ट बदल कर आते हैं। उन्होंने तो पीएम मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, वानखेड़े 2 लाख के जूते 25 लाख की घड़ी पहनते हैं। एक सामान्य अधिकारी के पास इतना सब कुछ कहां से आया? बंगाल में फिर चला ममता बनर्जी का जादू। सभी 4 सीटों पर टीएमसी की हुई जीत, बीजेपी को मिली करारी हार। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और भी ताकतवर होकर उभरी है। सभी 4 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं और बीजेपी अपनी 2 जीती हुई सीटें दिनहाटा और शांतिपुर भी नहीं बचा पाई है। विधानसभा में टीएमसी विधायकों की संख्या बढ़कर 217 हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में गोवा के दौरे पर गए थे। अपने इस दौरे के दौरान वे वहां के लोगों से लगातार मिले। इसी बीच उन्होंने कहा, गोवा सक्षम नेतृत्व का हकदार है, गोवा सांस्कृतिक संरक्षण का हकदार है, गोवा अनुकूल विकास का हकदार है, गोवा कांग्रेस का हक है। उन्होंने कहा कि वे बेहतर कल के लिए गोवा के साथ खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका दिया है। यहां मंडी लोकसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौशल ठाकुर को हरा दिया। इसके अलावा राज्य के 3 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने मंडी लोकसभा समेत फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीटों पर कब्जा कर लिया है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर की पत्नी कलावती डेलकर ने 51,000 वोटों से उपचुनाव में जीत दर्ज की है। मोहन डेलकर की मुंबई के होटल में संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद यहां 30 अक्टूबर को उपचुनाव हुए थे। इसमें उनकी पत्नी कलावती शिवसेना के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी थी। उन्होंने बीजेपी के महेश गावित को हराया। कांग्रेस के महेश धोड़ी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे हैं। कलावती की इस जीत के साथ ही शिवसेना ने पहली बार महाराष्ट्र के बाहर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। 100 करोड़ की वसूली मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। देर रात देशमुख को तकरीबन 13 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया था।
वे कई दिनों तक लापता रहने के बाद सोमवार सुबह 11:55 पर अचानक प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस पहुंच गए थे। देशमुख को ईडी ने 5 बार पूछताछ के लिए सम्मन किया था, लेकिन हर बार उनके वकील इंद्रपाल सिंह ही ईडी ऑफिस पहुंचे थे। उनकी दलील थी कि देशमुख 75 साल के हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वे पेश नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद संबंधित मामलों की तेज जांच अभियोजन के लिए और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के मकसद से जम्मू कश्मीर पुलिस के तहत राज्य जांच एजेंसी SIA का गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने एक आदेश में कहा कि राज्य जांच एजेंसी को आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने, दुष्प्रचार जैसे अपराधों और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून UAPA के दायरे में आने वाले जुर्मों की जाँच का जिम्मा सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी भी मुस्लिम समुदाय की महिला को मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए दिया गया तलाक मान्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए दस्तावेजी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति की याचिका को खारिज कर दिया। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच CM चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने उत्तराखंड में केदारनाथ के दर्शन किए। इसके बाद उनके एकजुटता को दिखाती हुई तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखकर विरोधी ही नहीं बल्कि अपनों ने ही तंज कसने शुरू कर दिए। लुधियाना से कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू ने फोटो ट्वीट कर पूछा कि जब उत्तराखंड में एकजुट है तो ये पंजाब में क्यों नहीं। पंजाब में इस वक्त सिद्धू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हरियाणा में एलनाबाद विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव इनेलो के अभय चौटाला ने 6,739 वोटों से जीत लिया। CDLU के अंबेडकर लॉ भवन में सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना प्रक्रिया के दौरान 16 राउंड पूरे होने पर अभय चौटाला को विजेता घोषित किया गया। 16 राउंड के बाद इनेलो कैंडिडेट अभय चौटाला को 65,798 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा 59,189 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के पवन बेनीवाल 20,857 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। कश्मीर के सुरक्षा बलों ने आतंकियों के स्लीपर सेल का भंडाफोड़ किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। उनके घर से 2 AK-47 राइफल, 2 मैगजीन AK-47, 208 AK गोलियां, 4 पिस्टल और 5 मैगजीन बरामद की है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 हेलीकॉप्टरों सहित 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी। इस मामले पर मंत्रालय के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। धनतेरस पर सर्राफा बाजार में सोने चांदी के दामों में तेजी आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज यानी कि 2 नवंबर को सर्राफा बाजार में सोना 144 रुपये महंगा होकर 47,904 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो ये 206 रुपये महंगी होकर 64,402 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गयी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत आने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही परिस्थितियां बेहतर होगी, जॉनसन भारत की यात्रा को प्लान करेंगे। जॉनसन इस साल जनवरी में गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने वाले थे, लेकिन COVID-19 के कारण उनकी यात्रा रद्द हो गई थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मिलिट्री हॉस्पिटल के पास 2 जोरदार धमाके हुए। इसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 43 घायल है। इस्लामिक अमीरात के डिप्टी प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के सामने हुआ। करीमी के मुताबिक दूसरा धमाका भी अस्पताल के पास के इलाके में हुआ। घटनास्थल से गोलियों की आवाज भी सुनी गई है। श्रीलंका के खिलाफ ICC T20 विश्व कप मुकाबले में मुश्किल परिस्थितियों में नाबाद शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाने वाले जोस बटलर ने कहा कि ये इंग्लैंड के लिए उनकी सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है। बटलर ने इस मैच में 67 गेंद की नाबाद पारी में 101 रन बनाए, जो इस प्रारूप में उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक है। वह इसके साथ ही खेल के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उनकी इस पारी से इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रन से शिकस्त दे दी।
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में केएल राहुल भारतीय टीम की कमान संभाल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में टीम इंडिया के लिए लगातार क्रिकेट खेलने वाले कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। विराट कोहली ने टीम इंडिया के टी20 कप्तान के रूप में पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा के साथ ही BCCI के थिंक टैंक को जल्द ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी होगी, जबकि रोहित शर्मा भारत के टी20 कप्तान के रूप में सबसे आगे चल रहे हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप, रेलवे बोर्ड ने साई को 3-0 से हराकर जीता महिला हॉकी खिताब। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई को 3-0 से हराकर पहली हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब को अपने नाम कर लिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना अभिनीत RSVP और गिल्टी बाय एसोसिएशन की जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू 13 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म रिलीज डेट की घोषणा के साथ फिल्म मेकर्स ने एक फोटो का अनावरण भी किया, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आए। इस पोस्टर ने फिल्म की कहानी के प्रति लोगों की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। ये फिल्म पाकिस्तान की धरती पर भारत के सबसे साहसी गुप्त ऑपरेशन से प्रेरित है।